हेलो गाइज, राजू टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। आइए देखिए, आज हम मदरबोर्ड चेक करते हैं एसर का, जो कि H81-M1। ठीक है दोस्तों, तो आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो चलिए दोस्त, चेक करते हैं इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड को विदाउट प्रोसेसर के चेक करेंगे, क्योंकि प्रोसेसर कॉस्टली होता है इसका, H81 का। और यदि प्रोसेसर मदरबोर्ड यदि शॉर्ट होता है तो बहुत सेंसिटिव प्रोसेसर होता है इसका और ख़राब हो जाता है। तो हम प्रोसेसर बचाने के लिए फर्स्टली पहले इसमें ये कनेक्शन SMPS का लगा के चेक कर लेते हैं। और SMPS का जो स्विच है उसको ऑन कर लिया, और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो LED है वो ग्लो कर रही है, देख रहे हैं। तो ये बताता है LED के मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। ये देख, मैंने इस मदरबोर्ड पे काम कर लिया है। देखिए, जैसे कि मैंने ये दोनों IO को चेंज कर लिया है, और यहाँ से जैसे ट्रिगर देंगे हम पैनल से, तो अब देख पा रहे हैं पैनल ये रहा, तो यहाँ से ये ऑन भी नहीं हो रहा है, बट LED ये हमारी कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है। तो ये मदरबोर्ड हमारा शॉर्ट है। और शॉर्ट भी क्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। ये साउथ ब्रिज है, जिसको हम PCH बोलते हैं, ये शॉर्ट है। तो इसकी शॉर्टिंग आप कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आप अपना टाइम ज़्यादा ख़राब ना करके सीधे पॉइंट पे आएँ। और यदि आपको इस मदरबोर्ड में एसर का, जो कि H81 मदरबोर्ड है, और देखिए ये हम प्रोसेसर इसमें लगा रहे हैं, ये वाला तो 4150 प्रोसेसर है i3 का, तो इस वजह से हमने इसको लगाया नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगा प्रोसेसर होता है और मदरबोर्ड इसको ख़राब कर देता है यदि शॉर्ट होगा। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे रहते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम मीटर को बजर पॉइंट पर रखेंगे। और अब देखिए, अब हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको हमारा मल्टीमीटर दिख रहा होगा, और ये देखिए, तो जैसा कि इसमें देखिए, ठीक है, हाँ। और SMPS की जो पावर है उसको ऑफ कर लेते हैं, ऑफ कर लिया, बट हमारी LED अभी ग्लो कर रही है, क्योंकि SMPS में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं उसमें जो वो डिस्चार्ज थोड़ा देर में होते हैं। देखिए, अब डिस्चार्ज हो गए, अब पावर इसमें नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे रहते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट बोल रहा है, 12-16 कुछ इस तरह दिखा रहा है, ठीक है। और आप ये दूसरा चेक करिए, ये भी देखिए शॉर्ट बोल रहा है, और इस तरह ये देखिए, ये शॉर्टिंग ही है, ठीक है। ये एक्चुअल पॉइंट है हमारा, ये 6.8, ठीक है। और जैसे कि ये कैपेसिटर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। आप मल्टीमीटर में देखो, 15-10-12 इस तरह दिखा रहा है, ठीक है। और अभी हम काम करते हैं, SMPS को डिसकनेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारा हीट सिंक है, इसके नीचे PCH चिप होती है, और वो शॉर्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको देखिए, पीछे की तरफ से ये लॉक होते हैं, यदि आप इस तरह जो है, हाँ, ये लॉक होते हैं, इनको आप दोनों को इस तरह किसी भी उससे आप प्रेस करके, इनको पुश करके ये निकाल लेते हैं, बाहर की तरफ खींच लेते हैं, और ऐसे ही इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये दबाएंगे ना लॉक, तो ये अंदर चले जाएंगे, ये वाले लॉक, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये हम बड़े आसानी के साथ रिमूव कर लिया है, जो इसको हीट सिंक बोलते हैं,
तो ये जो है क्या है, हीट एब्जॉर्ब करती है, ठंडा रखती है चिप को, इसका काम होता है ये, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको चिप यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है और मल्टीमीटर भी आपको यहाँ पे डिजिट सही दिख रही है, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं जिनको हम कैपेसिटर बोलते हैं। देखिए तो ये इसका देखिए कितना आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए 5.0 दिखा रहा है और शॉर्ट भी दिखा रहा है। तो अब ये देखिए ये चिप, आप लोग राजू सर आपका हो गया दोनों, हाँ ठीक है। और अब ये चेक कीजिए, ये देखिए ये भी 7 दिखा रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये सब दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। 8, 9, 7, 10 कुछ भी दिखा रहा है, बट शॉर्ट नहीं होना चाहिए ये। तो ये हमारा सब खराब है, ठीक है। ये देखिए 5.5 दिखा रहा है और ये दिखा रहा है 7.5, 8 इस तरह, और यहाँ पे ये दिखा रहा है। यहाँ पे यदि ये चिप ओके होती है तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखाता, और जैसे कि 30, 40, 50 इस तरह से एबव भी दिखाता है 30, 40, 50 से, ठीक है। तो ये देखिए 9.08 बट शॉर्ट भी दिखा रहा है ना, और यहाँ के जो कंपोनेंट लगे रहते हैं ये भी कैपेसिटर, ये भी शॉर्ट है। तो दोस्तों ये हमारा मदरबोर्ड देखिए यहाँ पे ये भी शॉर्ट है, तो ये हमारा मदरबोर्ड रिपेयरेबल नहीं होता है क्योंकि इसकी चिप PCH शॉर्ट है। तो आप अपना टाइम ख़राब ना करके, तो इस पर रिपेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। होता है दोस्तों ये चिप हमारी रिवॉल्व हो जाती है बट वो सक्सेज नहीं है, ठीक है। तो उसका कोई फीचर नहीं होता, तो आप इस तरह के मदरबोर्ड तुरंत ये PCH को चेक करके रिजेक्ट कर दें और अपना टाइम ख़राब होने से बचाएँ। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यहीं पे थैंक यू वेरी मच।